बहुत ज़्यादा अमाउंट हो चुका है, हमने 10x यहाँ पे आ चुका है। 10x अभी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो, 12x, 12x हो गया, 13x, 14x, 15x, ठीक है, 16x, 17x, 18x, 19x, 20x, 21x, 22x, 23x, 24x और यहाँ पे 25x पे मैंने बराबर स्टॉप। तो मेरा लास्ट टाइम कितना गया था यहाँ पे, टोटल टोटल गया था भाई 23x, ठीक है, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कम में ही वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 20 से भी प्ले कर रहा हूँ, क्रैश गेम का जो ट्रिक है हमारा, मैंने यहाँ पे 20 से प्ले कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है, मैं इसको 5x तक जाने दूंगा। अभी मैं आपके सामने बता रहा हूँ, हाथ मेरे आप यहाँ पे देख रहे हो, 5x तक जाने दूंगा, जाए या ना जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं इसको 5x तक जाने दूंगा, ठीक है। टोटल टोटल 5x तक मैं जाने दूंगा, यहाँ पे हाथ देख सकते हो मेरा, ठीक है, आपको यकीन नहीं लग रहा है, तो मैं 5x तक जाने दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि 4x तक ही गया, मतलब 4x भी नहीं गया, मैंने जैसे कि आपको बोला 5x तक जाने दूंगा, पर ये नहीं गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अमाउंट कर दिया 303 से, अब मैं यहाँ पे 2x पे इसको रोक दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी रेडी रहूँगा, हमारा 5x का टारगेट मिस हो गया, तो मैं यहाँ पे 2x पे करूँगा, थोड़ा अमाउंट मैंने बढ़ा दिया, और अभी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो हम 2x पे यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा अमाउंट कितना हो गया, मैंने टोटल टोटल किस तरीके से प्रॉफिट निकाला, ठीक है। स्मॉल अमाउंट के साथ में हमको बड़ा टारगेट रखना है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे 20 के साथ में जाता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम रखेंगे बड़ा टारगेट, इस बार रखते हैं 4x का, ठीक है। इस बार हम सिर्फ 4x का ही रखेंगे, या फिर मेरे मन को आ गया तो भाई मैं लास्ट तक जाने दूंगा, ठीक है, 5x तक भी। अभी मैं 4x तक रखा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टारगेट्स रखना है स्मॉल अमाउंट के साथ में, फिर हाई अमाउंट करके आपको वहाँ से बड़ा वाला ले लेना, मतलब छोटा मल्टीपल में लेना है बड़े अमाउंट के साथ, ठीक है। फिर भी अभी यहाँ पे मैं बड़े अमाउंट के साथ में गया, और यहाँ पे मैं 100 के साथ में प्ले कर दिया, 2x के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ दिया, ऐसे स्टॉप करके छोड़ दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी स्टॉप, तो ये स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे लगाओगे तो बहुत तगड़े तरीके से आप यहाँ पे विनिंग करोगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया, और यहाँ पे देखो इस तरीके से इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो तो भाई आपका, आप यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट, आप मेरा देखोगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट अभी हमारा इंक्रीज हो चुका है। तो इस तरीके से आपका होता है टोटल टोटल प्रॉफिट ओवरऑल। तो यहाँ पे मैं 20 से किया स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे 4x के लिए अभी हम इस बार भी जाएंगे, यहाँ पे मैं 4x के लिए छोड़ दिया, मे बी मैं 5x तक भी इसको जाने दूँ, ठीक है, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, पर इसको मैं क्रैश होने दूंगा, या फिर 5x तक गया तो ऐसे भी हमारा प्रॉफिट हो ही जाएगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल टोटल हमारा प्रॉफिट कितने x तक जा रहा है, 3x गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा 3x प्रॉफिट जा चुका है। अभी मैं यहाँ पे जाने दूंगा 5x हमारा, ठीक है, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो 5x भी हमारा जा चुका है, 10x तक जाएगा तो ठीक है, मैं यहाँ पे फिर भी 7-8x तक गया, तो मैं यहाँ पे क्रैश होने दूंगा इस बार, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा अमाउंट हो चुका है, हमने 10x यहाँ पे आ चुका है, 10x अभी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो, 12x, 12x हो गया, 13x, 14x, 15x, ठीक है, 16x, 17x, 18x, 19x, 20x, 21x, 22x, 23x, 24x और यहाँ पे 25x पे मैंने बराबर स्टॉप कर दिया। तुम्हारे भाई ने देखो यहाँ पे 25x पे बराबर स्टॉप कर दिया, पर यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया लगता है, ठीक है, थोड़ा मिस हो गया, मैं सही टाइम पे यहाँ पे अपना वो करने से पहले बच गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई, मेरा एम जो था 25x पे मैंने दबा दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हो क्रैश होने से पहले, मतलब मेरा इंटेंशन तो ठीक था, पर एप्लीकेशन में क्या है दिक्कत भाई, मेरा टच सैम्पलिंग नहीं हुआ या क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, उसकी वजह से वहाँ पर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट बढ़ा दिया, यहाँ पे टोटल अमाउंट हमने इतना प्ले कर दिया, और यहाँ पे मैं 1.5x पे ही रहूँगा, ठीक है, 1.5x पे ही रहूँगा, तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो, आप यहाँ पे भी देखना 200 का हमारा प्रॉफिट हो ही जाता है 1.5x पे, 1.5x से ऊपर मैंने थोड़ा यहाँ पे गया, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा प्रॉफिट अमाउंट देखना, और मैं आपको भाई, आपने खुद देखा है कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से इस अमाउंट को प्ले किया था, और एग्जैक्ट 25x पे मैं रोकने वाला था और रोक भी दिया था, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट आने का एनिमेशन भी आ गया था, पर पता नहीं यार क्या लफड़ा हो गया, ठीक है, क्या लफड़ा हो गया पता नहीं भाई, लफड़ा मतलब बहुत हर्ट होता है ना, क्योंकि तुमने भी देखा, मैं तो ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहा हूँ कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो मैंने क्या किया था, अभी यहाँ पे मैं जाने दूंगा 3x तक इस बार, ज़्यादा नहीं जाने दूंगा, क्योंकि एक बार मैं ट्रेंड अगर देखूँ तो भाई 3x भी नहीं गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा फिर से मिस हो गया, अमाउंट बढ़ाऊंगा 60 कर दूंगा, और यहाँ पे इसको हमें 2x जाने देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2x जाने देना चाहिए, मैं इजीली इसको छोड़ दूंगा ऐसे ही, और इसको 2x मैं जाने दूंगा, ठीक है, छोड़ देता हूँ यार इसको भी, मैं तो सोचता हूँ इसको भी जाने दूँ, ठीक है, पर यहाँ पे फिर से क्रैश हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई, 500 से गए, और यहाँ पे 250 का हमें निकालना है प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे इजीली अभी निकालेंगे 1.5x पे, क्योंकि अमाउंट हमारा बढ़ चुका है। अब ये आपको ध्यान देना है, स्मॉल अमाउंट पे आपको हाई तक जाना है, और लो अगर अमाउंट आप बढ़ा देते हो तो आपको यहाँ पे कर देना है जल्दी क्रैश को स्टॉप, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे 1.5x पे, ठीक है, यहाँ पे मैं 1.5x पे जाऊँगा, अभी आप यहाँ पे अमाउंट देख सकते हो मेरा टोटल टोटल, और यहाँ पे हमारा फिर से हो गया मिस, ठीक है, यहाँ पे फिर से हमारा मिस हो गया,
तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 6 के हमने प्ले कर दिया और यहाँ पे मैं जाने दूंगा अभी 1.5x पे ओवरऑल हमारा प्रॉफिट रिकवर करने के लिए मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे टोटल अभी आप देख सकते हो 1.5x पे मैं रोक दूंगा, यहाँ पे 1.6x पे हमने रोक दिया। और अभी आप यहाँ पे अमाउंट देख सकते हो हमारा टोटल 200 मतलब 2K के पास में पहुंच चुका है, पहले हमारा इतना अमाउंट नहीं था। अभी आप देख सकते हो इस तरीके से अगर आप समझदारी से प्ले करोगे इस गेम को तो भाई कितना तगड़ा आप यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मैंने 20 गया और इस बार और जाने देता हूँ मैं यहाँ पे, ये वाली स्ट्रेटेजी ना आप यहाँ पे काम करोगे ना इसमें क्रैश गेम में तो आपका इजिली प्रॉफिट आप निकाल सकते हो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं जाने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2x जा चुका है, ठीक है, 2x जा चुका है। यहाँ पे हमारा 3x भी अभी पार करने वाला है, 3x भी गया। अभी मैं फिर से जाने दूंगा, यहाँ पे हमारा 3x भी गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 4x भी जा चुका है, 4x पे हमारा क्रैश हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 50, 70, 80, 100 से कर देता हूँ और यहाँ पे हम जाएंगे 2x के लिए। इस बार हम यहाँ पे 2x के लिए जाएंगे और हम आराम से अपना रिकवर कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से गेम को चलना है यार, मैं आपके सामने लाइव दिखा दिया टोटल अपना प्रॉफिट निकाल के और यहाँ पे मैं रेडी रहता हूँ बिल्कुल क्रैश को स्टॉप करने के लिए मेरे भाई। मुझे लगा कि जल्दी निकाल देना चाहिए, थोड़ा मैंने निकाल दिया है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इमोशंस पे भी अपना ध्यान रखना होता है एकदम ज़्यादा, नहीं कि मेरा टारगेट है 2 का तो अब 2 तो गया ही भाई, 3 भी गया, 4 भी जाएगा, पर आपको अपना देखना होता है कि मुझे कहाँ कम्फर्ट जोन कहाँ है मेरा, मैं कहाँ कम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ और मैं कहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग अभी प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 170 लोग अभी यहाँ पे प्ले कर रहे हैं और इतने सारे लोगों ने प्रॉफिट किया। और अगर हम इस बार जाने देते ना अगर इतने पे 12x पे 13x पे तो भाई बहुत कतई जहर प्रॉफिट हो जाता, पर हमको उसके बारे में नहीं सोचना है ना। अब वो गया सो गया, ठीक है, तो इसके लिए हमको नहीं सोचना है। 25x के ऊपर गया इस बार तो, क्योंकि हमने 100 से किया था और ये बहुत मतलब वो होता है यार दिक्कत की भाई, 25x पे जब मैंने स्टॉप कर दिया था फिर भी ये स्टॉप नहीं हुआ। और काश अगर मैं ये क्रैश चलने देता और 60x पे निकाल देता तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता हमारा।